हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं उपचुनाव से जुड़े हुए 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पे जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उसमें 16 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 4 सीटों पर कांग्रेस और 7 पे अन्य आगे चल रहे हैं। ये रुझान पल पल बदल रहे हैं और सबसे तेज और सटीक रुझान आपको सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर ही देखने को मिल रहे हैं। सटीक विश्लेषण के साथ सटीक खबर इन उपचुनावों से जुड़ी हुई, उनसे रुझानों से जुड़ी हुई और उनके परिणाम तक एबीपी न्यूज पर ही देखने को मिलेंगी। 3 लोकसभा सीटों के रुझान अब तक सामने आए हैं, उसमें से 2 पर एनडीए आगे चल रहा है, बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 1 सीट पर शिवसेना दादर नगर हवेली की सीट पर शिवसेना आगे चल रही है। 29 विधानसभा सीटों में से एनडीए 16 सीट पर आगे है और सबसे बड़ा दल बन के उभरा है एक तरह से अगर देखा जाए तो इन उपचुनावों में। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है, अदर्स ने 7 सीटों पर अपनी बढ़त बना के रखी हुई है। बिहार की दोनों सीटों पर अब जेडीयू आगे चल रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान यहाँ पर जेडीयू आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे है, असम की 5 सीटों पर बीजेपी और एनडीए आगे चल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी ने बढ़त बना के रखी हुई है। और चलिए अब ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं एक बार फिर से, पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, नतीजे आने अब शुरू हो गए हैं। रुझान ये कह रहे हैं कि 4 पर टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है। मनोज्ञा, क्या जानकारी और इस पर? जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब 4 सीटें पर जो बढ़त है उसमें मार्जिन की लड़ाई हो रही है। 1 लाख से ज्यादा का टारगेट है दीनहाटा पे, लेकिन अभी गोसाबा में 50,000 से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है तृणमूल कांग्रेस मार्जिन और बाकी सीटों में भी। अब इन 4 सीटों का मतदान बहुत ही दिलचस्प ढंग से भी हुआ था क्योंकि जिस तरह से सीटें वेकेट हुई थी, एक और जहां पर खड़दा से अमित मित्रा हटे तो वहीं दूसरी ओर बाकी सारी जगहों से। लेकिन अब आपको हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि असम और मिजोरम पर, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। मिजोरम की बात बहुत कम की जाती है लेकिन वहां पर मिजोरम नेशनल फ्रंट, उसने 1 सीट पर बढ़त हासिल कर ली है जिस पर चुनाव हो रहा है, यानी तुइरियाल सीट पर जिस पर चुनाव और आज हो रहा है उपचुनाव, उस पर तुइरियाल पर एमएनएफ ने जीत हासिल की है, यानी कि अभी बढ़त हासिल की है और करीब 5,000 से ज्यादा का मार्जिन अभी आ रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि असम में जो 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी या उनका अलायंस यानी यूपीपीएल की बढ़त है और ये बढ़त यानी कि मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मार्जिन 2,000 से 5,000 वोट था, अब 10,000 से 12,000 वोटों के बीच में ये मार्जिन आ चुका है और बढ़ रहा है। 2 बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो वहीं एआईयूडीएफ ने 2 सीटों पर यानी गोसाईगांव और एक और सीट पर चुनाव लड़ा था इसमें असम में। अब इन सब के मद्देनजर जो अलायंस एक साथ 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ रहा था वो अब अपने रास्ते अलग कर चुका है, तो देखना होगा दिलचस्प कि क्या इन वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा हो रहा है या फिर बीजेपी की लहर अभी भी कायम है असम में। जी तो ये बहुत देखना होगा दिलचस्प, लेकिन अभी तक के जो रुझान है उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है उसके पक्ष में फिलहाल रुझान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ राशिद किदवई जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभियान प्रकाश नेशनल अफेयर एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी के भी जुड़ गए हैं और संगीत रागी प्रोफेसर हैं डीयू के, वो भी जुड़ गए हैं। मनोज्ञा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सबसे पहले मानव जायसवाल का रुख कर लेते हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मानव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लहर थी टीएमसी की विधानसभा चुनावों में, वो उपचुनावों में फिर से दिखती हुई फिर से उसी रफ्तार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, सभी को मेरा पहले नमस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद, आज धनतेरस का पर्व है। मैं उम्मीद करता हूँ इस आपातकालीन स्थिति में भी हर परिवार को माँ लक्ष्मी का आगमन हो, सुख शांति और समृद्धि मिले, कि जिस तरीके से हमारा पूरा देश कुछ महीनों में कुछ सालों में जिस तरीके से त्रासदी में है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज माँ का आशीर्वाद हर घर में मिले और इसी तरीके से हमको भी आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी पार्टी को जिस तरीके से जीत का लक्ष्य परस्पर सामने दिख रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से पूरे देश में हमारी पार्टी का पताका लहरे और हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चुनौती दे रहे हैं इस घृणात्मक सरकार को, जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में घृणा वाली वातावरण को फैला दिया है और ये उसी का नतीजा है कि जिस तरीके से खुल के प्रखर रूप से बंगाल एक दिशा दिखा रही है पूरे देश। ठीक है, हम 4 सीट में जीतेंगे सर और यहाँ दिखा जा रहा है कि जहाँ 2 सीटें जो बीजेपी जीती थी उन्होंने 157 वोट से जीती थी सीट दिनहाटा की,
उन्होंने त्याग दिया क्योंकि उनको एमपी ज्यादा पसंद है। कितने लोगों ने कैंपेन किया, किस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, पब्लिक रैलियां करी, ये पूरे देश ने देखा है। ये बीजेपी की जो कुशन वाली सीट जो मिलती है, जो गद्दी में बैठा है, गद्दी में बैठने का इनका काफी बड़ा वो रहा है, एक्सपेरिमेंट रहा है, लेकिन जनता के बीच जाने का इनके पास वो अनुभव नहीं है। नहीं, लेकिन 29 सीटों की मैं बात करूं तो 16 सीटें हैं। आप अपने राज्य की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप उत्साहित हैं, लेकिन 16 सीटें एनडीए की ही बात कर रही हूं मैं। एनडीए की बात कर रही हूं, बीजेपी नहीं, एनडीए की ही बात कर रही हूं। एनडीए का अकेले बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी वही बता रही थी। आप कह रहे थे ना कि बीजेपी को अब उखाड़ फेंकने की तैयारी हो गई, उस पर मैं ये अपडेट आपको दे रही थी, लेकिन मैं इस पर रिएक्शन संगीत रागी से ले लेती हूँ। संगीत रागी जी, मतलब पश्चिम बंगाल में तो चारों सीटों पर, यहाँ पर टीएमसी ही अभी आगे, और अब जैसा बता रही थी बरोगिया कि अब तो मार्जिन का इंतजार हो रहा है कि कितने मार्जिन से कौन किसको हराता है, तो क्या बीजेपी के लिए रहा अभी भी पश्चिम बंगाल में उतनी ही मुश्किल है? देखिए, जो हमको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस की समझ है, जब भी जहां पर आप चुनाव लड़ते हैं, जहां जीतते हैं, 6 महीना 1 साल का जो पीरियड होता है उसके अंदर आप कभी भी उपचुनाव में कोई बड़ा उलटफेर या कोई दूसरा वेव, आप अपोजिट वेव आप नहीं देख सकते हैं, जब तक कि कोई बहुत ऐसा बड़ा मुद्दा न बन जाए जो सरकार के खिलाफ चली जाए। और अभी जो उपचुनावों के नतीजे हैं वो इसी बात का संकेत हैं कि जहां जहां जिन जिन पार्टियों की सरकार है वहां वहां अपने वर्चस्व को वो कायम कर रहे हैं। और अब मार्जिन, आप जीत या 10,000 से जीतते हैं, 1,00,000 से जीतते हैं, वो कई बार ऐसा भी होता है कि जब एक विनिंग साइड होता है तो लोग उसकी तरफ ही जाना शुरू कर देते हैं, तो यह भी एक बात है। मुझे लगता है कि जो दूसरा पक्ष जो इन्होंने कहा है घृणा का, तो मुझे नहीं लगता है कि बंगाल घृणा और अघृणा को संबोधित करता है या उसको परिभाषित करता है, क्योंकि इस देश ने भी ये देखा और बहुत सबको ये पता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के, विधानसभा चुनाव के पश्चात किस प्रकार की हिंसा हुई, पश्चिम बंगाल चुनाव के दरमियान कितनी हिंसा हुई और हिंसा में कौन खास लोग थे, यह भी समझ में देश को आता है। बिल्कुल संगीत रागी जी, शांति का टापू पश्चिम बंगाल किस तरह से बना हुआ है, आपकी बात को हम समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं, लेकिन इस बीच चुनाव की चर्चा कर लेते हैं बजाय इसके कि अभी हम बंगाल को केवल डिस्कस करें। हम अभिज्ञान प्रकाश के पास चलते हैं। अभिज्ञान, जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, ये माना जा रहा था कि कोरोना काल के बाद, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम के बाद, किसान आंदोलन के बाद, ये जो उपचुनाव के नतीजे होंगे या रुझान होंगे वो बड़े उलटफेर वाले होंगे, लेकिन वैसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। हाँ, ये बड़ा क्लियर पॉइंट है, क्योंकि कन्वेंशनली आप देखिए, पारंपरिक तौर पर आप देखिए तो राजनीति में बाय इलेक्शन दो बातों का इंडिकेटर होते हैं, दो बातों का वो संकेत देते हैं। अगर उलटफेर होता है तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है जिस भी राज्य में या केंद्र में, तो उसके लिए वो चिंता का विषय बन जाता है। और अगर उलटफेर नहीं होता है, जो अभी तक के रुझान संकेत दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ की जनता जो है वो एक कंटिन्यूटी जो बनी हुई है उसमें यकीन रखकर वोट डाल रही है। तो ये दो फैक्टर्स हैं। हालांकि मैं इसको राष्ट्रीय मुद्दों से सीधे जोड़कर नहीं देखूंगा, क्योंकि ज़्यादातर ये स्थानीय मुद्दों के चुनाव हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि इसका मतलब जो पार्टी वहाँ एग्जिस्ट कर रही है सत्ता में, जो पार्टी डोमिनेंट है अपनी पॉलिटिकल अरेंजमेंट में जनता के बीच में, उसी की कंटिन्यूटी को वो बरकरार रखना चाहते, उसमें वो कोई फेर बदल नहीं करना चाहते।
और ये देखा भी गया है और शायद ये वही ट्रेंड है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। इससे पहले भी हम अपनी चर्चा में इसका जिक्र कर चुके हैं कि वही ट्रेंड कि जहां जिसकी सत्ता वहां उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है उपचुनावों में, बाय इलेक्शन में जब नतीजे सामने होते हैं। रशीद किदवई भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रशीद किदवई, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और शायद वही हम इन रुझानों में भी देख रहे हैं क्या? श्री, मैं इसको ज्यादा आगे की तरफ देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा कि रूलिंग पार्टी और जो एक ऐसा ट्रेंड होता है बाय इलेक्शन। देखिए, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं या रसोई गैस की, ये बहुत ज्यादा है, एबनॉर्मली हाई जिन्हें हम कह सकते हैं, और किसी को भी विचलित कर सकती है। मैं पेट्रोल पंप जाता हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है और मुझे ये एक दर्शाता है कि आने वाले जो राज्यों में जो चुनाव होने वाला है या जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है, वहां भाजपा नरेंद्र मोदी जी की बड़ी मजबूत पकड़ है, क्योंकि जनता विचलित हो रही है। इतने ज्यादा कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं और हर समाज के हर वर्ग को वो अफेक्ट करती। मैं ये नहीं मानता कि किसी एक क्षेत्र का स्थानीय मुद्दा है। भाई, पेट्रोल डीजल और गैस, ये तो रसोई गैस और उससे जो उसकी वजह से जो तमाम चीजों का, चाहे वो बिस्किट हो या सब्जी हो या फल फूल हो, सबके लिए ऊपर असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, तो उसको जनता बिल्कुल नकार रही है, उसको ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा, एक जो विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। मुझे इस उपचुनाव में विपक्ष जो है, बंगाल का अगर अपवाद है उसको छोड़ के हम देखें, तो विपक्ष बिल्कुल उसका जो है जो प्रदर्शन है बहुत ही ज्यादा निराशात्मक लग रहा है। एक अभय चौटाला जीत जाए वो एक क्षेत्रीय बात है, वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन ओवरऑल जो कांग्रेस है या जो कांग्रेस, देखिए अकेले लड़के भी जीत रही है, गठबंधन करके भी मतलब कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ उसको कहीं कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड आ रहे हैं कोई प्रभाव नहीं नजर आ रहा। जी राशिद किदवई जी, आपके पास लौटेंगे, अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कुछ रुझान हैं जो सरकार के खिलाफ भी हैं, जैसे तेलंगाना की हुजूराबाद सीट है, यहाँ पर जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, वहाँ पर सरकार के खिलाफ है। एलनाबाद सीट है जो हरियाणा की, वहाँ पर रुझान जो है वो अभय चौटाला जीत रहे हैं, सरकार के खिलाफ जा रहा है। और दादर नगर हवेली की लोकसभा सीट, यहाँ शिवसेना आगे चल रही है, इस पर भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर सरकार के खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार जीत। तो देखिए, उपचुनाव के नतीजों को लेकर रुझान आना शुरू हो गए हैं और साथ ही लगातार अपडेट आप एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं। और मंडी लोकसभा सीट से आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, यहां पर एक बार फिर कांग्रेस आगे हो गई है। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह यहां पर आगे चल रही है बढ़त बनाए हुए। साथ ही तेलंगाना की हजूराबाद सीट से भी अपडेट ये कि बीजेपी यहां से आगे चल रही है। हरियाणा की एलनाबाद सीट से INLD के अभय चौटाला इस वक्त आगे चल रहे हैं। और दादर नगर हवेली से जो सामने फिलहाल अपडेट आ रहा है, लोकसभा सीट है ये, यहां से शिवसेना उम्मीदवार आगे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त इन उपचुनाव के नतीजों से जुड़ा हुआ। ये वो सीटें हैं जहां पर सरकारें किसी की हों लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार जीत रहे हैं। तेलंगाना की हुजूराबाद सीट, यहां से बीजेपी के ई राजेंद्रन आगे हैं। हरियाणा की एलनाबाद सीट, यहां से INLD के अभय चौटाला आगे हैं। और इसके अलावा तेलंगाना की हुजूराबाद सीट जो है KCR की सरकार है यहाँ पर, लेकिन बीजेपी आगे, तो विपक्ष का उम्मीदवार आगे। हरियाणा से एलनाबाद से INLD के अभय चौटाला आगे, बीजेपी की सरकार है लेकिन विपक्ष का उम्मीदवार आगे। दादर नगर हवेली लोकसभा सीट से शिवसेना की कलाबेन आगे हैं, विपक्ष का उम्मीदवार आगे है। और मंडी सीट से इस वक्त प्रतिभा सिंह आगे चल रही, विपक्ष का उम्मीदवार आगे है। तो इन सीटों पर बड़े उलटफेर होते दिख रहे हैं, हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, आखिरी रिजल्ट कहां सेटल होगा ये देखना होगा। हम रुक कर लेते हैं राशिद किदवई का। राशिद किदवई साहब, इन सीटों पर उलटफेर होता दिख रहा है, यहां पर विपक्ष की तरफ रुझान बार बार जाते दिख रहे हैं। देखिए, राजनीति में जो दिखता है वो बिल्कुल सही हो ऐसा नहीं होता। देखिए, आप देखें, ये अभय चौटाला की सीट थी हरियाणा की, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वही लड़ रहे हैं, वही आगे आ रहे हैं। जो आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, सरकार में बहुत संपन्न आदमी है, कुछ लोग उनको दाभी भी मानते हैं, तो उस वजह से उनके अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। जो आप शिवसेना की सीट बता रहे हैं दादर नगर हवेली की, वो दरअसल एक इंडिपेंडेंट MP 7 बार MP रह चुके हैं, उनकी पत्नी चुनाव में लड़ रही है, शिवसेना ने उन्हें टिकट दिया है, लेकिन एक पॉलिटिकल लेगेसी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सत्ता के लोग हैं या जो प्रभावशाली लोग हैं वही जीतते हुए नजर आ रहे हैं।
जिस तरह की 110 रुपए की जो पेट्रोल की आग है वो कहीं नहीं हमें नजर आ रही है। ठीक है सर, तो ये वो सीटें जिन सीटों का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, इन पर कौन आगे कौन पीछे, लेकिन यहाँ ये नजर आ रहा है कि देखिए इस पर सत्ता में कौन है इसका असर होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो लगातार इस बड़ी खबर पर सभी खास मेहमानों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक सीट का एक एक विश्लेषण और नतीजे क्या कह रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। ब्रेक एक ले रहे हैं यहाँ पर छोटा सा फोन लॉक। तो लगातार हम बड़ी कवरेज कर रहे हैं उपचुनावों के नतीजे और उन नतीजों से पहले जो रुझान आ रहे हैं वो वाकई बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि कोई कभी आगे कभी पीछे और उसके बाद पल पल की अपडेट बदल रही है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए टेली भी आपके सामने है, विधानसभा उपचुनाव 29 सीटें बढ़त किसको, 15 एनडीए को यहां पर सीधे तौर पर, कांग्रेस प्लस को 5 और 8 अन्य को है। साथ ही अगर 3 लोकसभा सीटों की बात कर लें जिस पर उपचुनाव हुए तो 2 एनडीए की सीटें जिनको बढ़त है, कांग्रेस प्लस फिलहाल अभी नतीजे नहीं लेकिन 1 अन्य यहां पर आगे है। और इसी के साथ बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि मंडी लोकसभा सीट से यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस की उम्मीदवार है प्रतिभा सिंह जो आगे चल रही है फिलहाल। तो बड़ा उलटफेर इस समय हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है, विधानसभा की 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी जीत रही है, 1 सीट पर कांग्रेस आगे है और 1 सीट पर बीजेपी के बागी चेतन बरागटा आगे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर दिख रहा है, लोकसभा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी जीत रही है जबकि 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर चेतन बरागटा निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।